तो लास्ट क्लास जो थी हमारी सॉल्यूशन की थी, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज एसेप्टिक एनवायरनमेंट। यू नो दैट जब आप एक लैब में एंट्री करते हो ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके रिजल्ट सक्सेसफुल तभी होते हैं जब कहीं ना कहीं आप एसेप्टिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हो। अगर आपके लैब में एसेप्टिक एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं है, तो जो भी रिजल्ट या एक्सपेरिमेंट आप कंप्लीट करना चाह रहे हो सक्सेसफुल नहीं होगा। यू नो दैट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो भी होते हैं, वैसे भी इनकी प्रोबेबिलिटी लगभग एक बार के रिसर्च में लगभग नहीं होती है, दो तीन बार आपको रिपीट करना पड़ता है। तो ये रिपीटेशन से हम कैसे बचे? तो रिपीटेशन से आपको अगर कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं लाइफ साइंस के, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो भी आपका रिसर्च वर्क होता है थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाता है। जहां पर 90% प्रोबेबिलिटी नहीं आने की, वहां पर ये हो जाता है 90% प्रोबेबिलिटी की आ जाएगा, ठीक है ना। उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस बिफोर यू टुडे, दैट इज एसेप्टिक एनवायरनमेंट। एसेप्टिक वर्ड आपने सुना है पहले, क्या होता है? नहीं, कंटामिनेंट्स नहीं होते। कंटामिनेंट्स किसको बोलते हैं? देखो, कई बार स्टूडेंट समझते हैं कि हम अगर कंटामिनेंट्स को रिमूव करें देन दैट इज एसेप्टिक। कंटामिनेंट्स के यहां पर मतलब ये होता है कि अनवांटेड या फालतू चीजें, जैसे आपके पास एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, उसके अलावा कुछ और अगर उसमें ग्रो हो रहा है, देन दैट इज कंटामिनेशन। एसेप्टिक का मतलब वैसे देखा जाए दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रोब्स, दैट इज फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, दैट इज नोन एज एसेप्टिक। अगर एक कोई पर्टिकुलर प्लेस है, वहां पर बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, लाइक बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, वायरस हो सकता है, मैं आपसे कहूं कि जाओ उसको एसेप्टिक बनाओ, तो इट मीन्स दैट यू हैव टू क्लीन द ऑल माइक्रोब्स व्हिच इज प्रेजेंट एट दैट प्लेस, देन दैट इज नोन एज एसेप्टिक एनवायरनमेंट। क्लियर? एसेप्टिक एनवायरनमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट एसेप्टिक एनवायरनमेंट एंड दूसरा होता है दैट इज कंप्लीट एसेप्टिक एनवायरनमेंट। ओके, अब इनकम्प्लीट, मैंने ये बात तो मैंने कह दिया कि एसेप्टिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, लेकिन इसके बावजूद भी ये एसेप्टिक एनवायरनमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट एसेप्टिक एनवायरनमेंट और दूसरा होता है कंप्लीट एसेप्टिक एनवायरनमेंट। मतलब क्या है? सपोज दैट कहीं पर, एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, एक जगह पे कोई 100% बैक्टीरिया रहा होगा, 100% बैक्टीरिया कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने कहा आप जाओ माइक्रोब्स को एसेप्ट किल करके एसेप्टिक एनवायरनमेंट बनाओ। आप आए इसको किल करने के लिए, आपने जो भी टूल टेक्नोलॉजी सीखी होगी एसेप्टिक एनवायरनमेंट बनाने की, आपने अप्लाई किया। अप्लाई होने के बाद ऐसा पता चला कि वहां पर 90% बैक्टीरिया सपोज दैट मर गए, अभी भी 10% बैक्टीरिया वहां पर क्या है, अलाइव है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया के जो स्पोर होते हैं वो भी क्या है, अलाइव है। क्लियर? तो मैंने कोशिश तो पूरी अपनी तरीके से की मगर पॉसिबल हुआ नहीं, अभी भी यहां पर 10% बैक्टीरिया अलाइव है, देन बैक्टीरिया का स्पोर अलाइव है, देन मैंने इसको क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट एसेप्टिक एनवायरनमेंट। वहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं कि कहीं पर 100% बैक्टीरिया है और आपने टूल टेक्नोलॉजी लगा करके पता चला 100% बैक्टीरिया को किल कर दिया। आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जगह पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना, इतने में लाइफ बॉय आके आता है, मार के चला जाता है, एक छूट जाता है, वैसा भी नहीं चाहिए, वो 99.9% है, वो भी किसका है, इनकम्प्लीट है। मैंने कहा अगर मैं एक भी बैक्टीरिया छोड़ रहा हूं, then that is not part of sterilization, sorry, complete aseptic environment. इसके साथ साथ बैक्टीरिया के जो स्पोर है वो भी क्या होते हैं, किलिंग होती है उनकी भी, तो ना तो कोई बैक्टीरिया बच रहा है ना तो कोई स्पोर छूट रहा है, ओवरऑल कंप्लीट किलिंग अगर कहीं पर माइक्रोब्स की हो रही है then that is known as complete aseptic environment. अब इतना अगर आपको लंबा चौड़ा बोलने का मन नहीं है तो इन शॉर्ट आप इसको बोल दो दैट इज स्टेरिलाइजेशन, एंड इन शॉर्ट आप इसको बोलते हैं दैट इज डिसइंफेक्शन। यानी अभी तक मैं आपको डिफरेंस सिखा रहा था स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बीच, तो यहां पर एक बात समझ में आती है, डिसइंफेक्शन एक इनकम्प्लीट एसेप्टिक एनवायरनमेंट होता है जहां पर 100% माइक्रोब्स और उनके बैक्टीरिया की किलिंग नहीं हो सकती है, मगर स्टेरिलाइजेशन एक कंप्लीट एसेप्टिक एनवायरनमेंट जहां पर 100% माइक्रोब्स और उनके जो वेजिटेटिव सेल्स हैं या बैक्टीरिया अगर मैं बोलूं तो उनकी किलिंग होती है। मैं बार बार एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं दैट इज स्पोर। ये क्या होता है, नाम सुना है आपने, क्या होता है,
टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता स्पोर्ट्स। देखो जैसे मेरे पास एक बैक्टीरिया, हाँ बेटा ओनली टू हीट, अभी दिखाता हूँ मैं। मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। होता क्या है कि जब एक माइक्रोब्स को एक हार्ड कंडीशन दी जाती है, स्ट्रेस कंडीशन में बोल दूं, स्ट्रेस कंडीशन या हार्श कंडीशन, तो इस बैक्टीरिया के पास दो रास्ते होते हैं, या तो ये सुशांत सिंह राजपूत बन जाए, है ना, डू यू नो व्हाट सुशांत सिंह राजपूत, या फिर ये स्पोर बना ले। सुशांत सिंह राजपूत फेमस क्यों हुआ, क्योंकि वो एक्टर था, वो मर गया इसलिए ज्यादा फेमस हो गया, सुसाइड कर लिया। एक्चुअली में जब एक बैक्टीरिया को कभी भी हार्श कंडीशन या स्ट्रेस कंडीशन दी जाती है तो बैक्टीरिया के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो सुसाइड कमिट कर ले या तो वो स्पोर बना ले। अब बात ये आती है कि कब एक बैक्टीरिया सुसाइड यानी अपने आप को सुसाइड कर लेगा, यानी एक स्ट्रेस कंडीशन दूंगा तो वो मर जाएगा, दूसरा कब वो स्पोर बनाएगा। इस पृथ्वी पर सबके साथ ऐसा ही होता है, अगर एक हार्श कंडीशन दिया जाता है, एक कोई विपत्ति का टाइम आता है, तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो उससे आप उबर जाओ या तो आप अपने आप को सुसाइड करो। सेम कहानी बैक्टीरिया के साथ भी है। एक्चुअली में जब एक बैक्टीरिया के ऊपर हार्श कंडीशन आती है, हार्श कंडीशन का मतलब है कि बैक्टीरिया को कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, बैक्टीरिया को कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, दैट मे बी एनी टाइप ऑफ हार्श प्रॉब्लम्स। अब यहां पर बैक्टीरिया के पास दो रास्ते हैं। अगर नेचर ने बैक्टीरिया को ये काबिलियत दी है कि हार्श कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव कर ले, देन दैट विल फॉर्म स्पोर, डेफिनेटली दैट बैक्टीरिया विल हैव टू फॉर्म द स्पोर। और अगर नेचर ने ये काबिलियत उस बैक्टीरिया को नहीं दी है कि वो हार्श कंडीशन में स्पोर बनाए, तो कभी भी स्पोर नहीं बनाएगा, वो मर जाएगा। इसीलिए आपने दो तरीके के बैक्टीरिया सुने होंगे, माइक्रोब्स, एक जो स्पोर बना सकते हैं जिनको स्पोरोजेनिक बैक्टीरिया कहा जाता है, जो स्पोर नहीं बना सकते हैं उनको नॉन स्पोरोजेनिक बैक्टीरिया कहा जाता है। समझ में आ गया? चलो इन केस हम अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ट्यूबरक्लोसिस, सॉरी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूटानी, जिसको आप टिटनेस बोलते हो, अगर आपको टिटनेस होता है तो टिटनेस की बात छोड़िए, अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती है तो बोलते हैं ना आप जाओ डॉक्टर के पास और टिटनेस का इंजेक्शन लगवाओ, तो व्हाई दे कॉल दैट, कि आप ये क्यों बुलाए जाते हैं कि आप टिटनेस का इंजेक्शन लगाओ? क्या चोट लगने से टिटनेस हो जाएगी? नहीं, संभावना है चोट लगने से टिटनेस हो सकती है। रीजन ये है कि जो टिटनेस का बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम टिटानी, वो स्टार्वेशन की कंडीशन में है, भुखमरी की कंडीशन है, और वो उसके लिए एक हार्श कंडीशन है। अच्छा, जब हार्श कंडीशन आया, स्ट्रेस कंडीशन आया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई, तो नेचर ने चूंकि इसकी एक काबिलियत दी है कि यू कैन फॉर्म स्पोर्स व्हाइल यू आर कमिंग कॉन्टेक्ट विद हार्श एनवायरमेंट, जब हार्श एनवायरमेंट में कॉन्टेक्ट में आएंगे आप तो आप बना सकते हैं स्पोर, तो बोला ठीक है। अब वो स्पोर बना लेता है, और जब स्पोर बना लेता है तो कहानी क्या होती है कि वो अपने इस डीएनए को चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव लेयर में कवर कर देता है, जो कि बनी हो सकती है सोडियम या कैल्शियम की डाई पिकिलोनिक एसिड। मैं आपको बता दूं, दैट इज द टफेस्ट लेयर विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। स्पोरिन पॉलन ग्रेन आपने सुना ना, पॉलन ग्रेन सुना है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, यानी पॉलन ग्रेन के ऊपर मौजूद स्पोरोपोलिनिन की लेयर, दूसरा स्पोर के ऊपर, इस स्पोर के ऊपर मौजूद सोडियम कैल्शियम डाइपिकलोनिक एसिड की जो लेयर है, दीज आर द टू टफेस्ट लेयर विच इज प्रेजेंट ऑन दैट, जिस पर ना कोई सनलाइट का इफेक्ट होता है, ना किसी डेसिकेशन यानी ड्राइनेस का इफेक्ट होता है, ना यूवी रेज का इफेक्ट होता है, किसी भी पर्टिकुलर केमिकल का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड बेसिकली जो अभी रिसर्चर्स लगे हैं वो इसी कोशिश पे लगे, किस तरीके से इसके इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम डैमेज कर सके। जिस दिन ऐसा कोई केमिकल या कुछ इस तरीके का हमारे हाथ लग गया कि इसके इस लेयर को डिग्रेड किया जा सकता है, बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे जो दूध का फटना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए छुटकारा साबित हो सकती हैं। व्हाई डू दैट्स व्हाई द मेनी रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन टू डिग्रेड द डाइपिकलोनिक एसिड्स, हाउ यू विल एक्सट्रैक्ट अ पर्टिकुलर केमिकल दैट हैव टेंडेंसी टू डिग्रेड दिस सोडियम एंड कैल्शियम डाइपिकलोनिक एसिड लेयर, बिकॉज व्हेन यू विल एबल टू डिग्रेड दिस पर्टिकुलर लेयर, डेफिनेटली मैनी प्रॉब्लम्स विच इज रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, यू विल कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई द साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये अगर इस फॉर्म में है तो ये
अच्छा, इसके अंदर डीएनए के साथ साथ इसके अंदर राइबोसोम भी होता है। कई बार पूछा जाता है कि क्या जो स्पोर होते हैं, जो कैल्शियम डाइपिक्लोनिक एसिड की लेयर है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है मेन। तो स्पोर जिन चीजों को कवर किया होता है उसके अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो राइबोसोम मिलता है प्लस उसका जो जेनेटिक मटीरियल डीएनए है। दीज आर द टू मेजर कंपोनेंट्स व्हिच इज सराउंडेड बाय दिस पर्टिकुलर लेयर, ठीक है। और जैसे ही इसको फेवरेबल एनवायरमेंट मिला, जैसे ही फेवरेबल एनवायरमेंट मिला, ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बैक्टीरिया में। तो मैंने कहा जब चोट लगती है तो जो टिटनेस का बैक्टीरिया है उसको, चूंकि स्टार्वेशन में खासकर आयरन डेफिशिएंसी देखी गई है, अगर न्यूट्रिशन में आयरन नहीं मिल रहा है तो टिटनेस कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके लिए स्टार्वेशन साबित होता है। अच्छा, इसलिए कहा था जो जंग लगे हुए अगर चीजों से आपको चोट लगी है तो वहां पर टिटनेस होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, बिकॉज वहां पर टिटनेस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और टिटनेस कॉजिंग बैक्टीरिया आपको मिल सकते हैं। जैसे ही आपको चोट लगी, अच्छा चूंकि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है ये, तो स्पोर बना करके वो हवा में टहलता रहता है। जैसे ही आपको चोट लगी, व्हेन यू विल गेट अ पर्टिकुलर इंजर्ड ऑन योर स्किन, या आपका ब्लड सर्कुलेशन से ब्लड बाहर आया, सो व्हाट वुड हैपन, दैट विल कम ऑन दैट प्लेस, वो हवा के जरिए वहां पर आएंगे और वहां पर हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज द गुड रिच ऑफ हीम्स, तो दे विल स्टार्ट टू ईट दैट पर्टिकुलर थिंग्स, और वहां पर जैसे ही पहुंचेंगे दैट विल बी द फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर दैट, और जैसे ही वो फेवरेबल एनवायरमेंट साबित हुआ दैट विल कन्वर्ट इनटू द बैक्टीरिया एंड दैट विल स्टार्ट टू देयर लाइफ साइकल्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जितना मेरे लिए एक बैक्टीरिया खतरनाक है उतना ही खतरनाक मेरे लिए स्पोर है। सो इफ यू वांट टू मेक अ कंप्लीट एसेप्टिक एनवायरमेंट देन यू विल हैव टू किल बोथ बैक्टीरिया एज वेल एज देयर स्पोर्स, और ये काम आप कहां कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन में। दैट्स वाई जब हम एक लैब में काम करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन चीजों को मैं स्टरलाइज कर सकता हूं उनको मैं स्टरलाइज करूंगा, बहुत सारी चीजें जिनको मैं स्टरलाइजेशन नहीं कर सकती, जैसे मैं आपसे बोलूं अपना हाथ स्टरलाइज करो, यू आर नॉट एबल टू डू दैट, है ना, तो हम इसको डिसइनफेक्ट करते हैं। सो व्हाइल यू आर वर्किंग इन अ लैब यू नीड टू पे अटेंशन ऑन द बोथ थिंग्स व्हिच इज एबल टू बी स्टरलाइज, ट्राई टू स्टरलाइज देम, उनको आप स्टरलाइज करिए, एंड दैट हैव एबिलिटी टू बी अ डिसइनफेक्ट, जो डिसइनफेक्ट हो सकते हैं उनको आप डिसइंफेक्ट करने की कोशिश करिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, सो लेट्स मूव कि वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं, कैसे आप एक एनवायरमेंट को एसेप्टिक बनाते हैं। सो लेट्स सी दैट। देखिए तीन मेथड होते हैं, वैसे मैं स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का एक फ्लो डायग्राम आपको दिखाता हूं। तीन मेथड होते हैं बेसिकली जो यूज किए जाते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड होता है, एंड थर्ड इज फिजिकोकेमिकल। ठीक है, फिजिकल मेथड में व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज हीट, व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इज रेडिएशन, दैट इज फिल्ट्रेशन and sunlight. ये major portion है what I'm going to discuss in the physical method. Physical method में जो पहले बात करने वाला हूं that is heat, और heat दो तरीके के होते हैं, एक होता है moist heat और दूसरा होता है dry heat. तो पहले हम इन moist heat और dry heat में difference देख लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। आपने सुना है ना moist heat और dry heat? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉइस्ट एंड ड्राई हीट, क्या डिफरेंस होते हैं, ये मत बताना एक में स्टीम भाप होती है एक में नहीं होती है, कुछ और बताओ। एक में हॉट एयर अवेल जैसे इंस्ट्रूमेंट यूज, नहीं बेटा क्या यूज करेंगे इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है, वो तो हम किया जाएगा, एप्लीकेशन पार्ट है। इफ आई एम सेइंग दैट व्हाट इज द डिफरेंस इन फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी, अगर आप बताना चाहें इसकी, तो इन प्रॉपर्टीज में इसके क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट, आई वांट टू नो दैट ओनली। Moist heat में 100% हमें नहीं मिलेगा sterilization। नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्या बात कर रहे हो। अच्छा इसे छोड़ो, ये बताओ सॉलिड लिक्विड और गैस में क्या अंतर होता है, बच्चे वाली बातें वैसे तो, बट इफ आई आस्क दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। देखिए कुछ चीजें ऐसे होती है ना, अभी तक ठीक है आप बचपन में जो पढ़ते थे 9th 10th 11th 12th व्हाटएवर, जो भी आपका ग्रेजुएशन में इवन रहा होगा, वो चीजें ठीक है, सॉलिड के मॉलिक्यूल पास पास दूर दूर बहुत दूर, दीज आर द थिंग्स व्हाट यू हैव रेड इन योर लास्ट बुक, ओके।
बट एक्चुअली में जब आप एक साइंस के लेवल पे उतरते हो ना, तो आपके बेस के पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है. इफ यू वांट टू बी द साइंटिस्ट, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, एंड इफ यू वांट टू डू द वेल रिसर्च, देन यू हैव टू नो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग्स. जो भी आपके इर्द गिर्द हो रही है उसका एक बेसिक फिनोमेनन क्या है, क्यों ये चीजें हो रही है. अंटिल यू विल नॉट पे अटेंशन ऑन दीज थिंग्स, जब तक आपका ऑब्जर्वेशन ही अच्छा होगा ना, यू कैन नॉट डू दैट थिंग्स. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू फर्स्ट डिस्कस कि अगर कोई सॉलिड है, तो लिक्विड है या गैस है, तो ये चीजें क्यों हो रही है. ऐसा आपने बचपन पढ़ा था सॉलिड के मॉलिक्यूल पास पास है, लिक्विड के दूर है, गैस के बहुत दूर है, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों ऐसा. जाहिर सी बात है यार, थर्मोडायनेमिक्स में स्टेबिलिटी, हाँ, ये पूरी की पूरी पृथ्वी या पूरा का पूरा यूनिवर्स थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, वो तो बात सही है, स्टेबिलिटी तो है. But what type of stability that will try to reach? Graduation में तो पढ़ा होगा, I think that नहीं पढ़ा. अच्छा चलो, आपने क्रिकेट मैच देखा ना, क्रिकेट मैच, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब फील्डिंग करने वाली टीम मैदान पे उतरती है, तो शुरुआती दौर पे क्या होता है कि जितने फील्डर होते हैं सब एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हैं, गोल गोल खड़े होते हैं ना, दे लुक लाइक फुटबॉल एक्चुअली, बट दे विल डिस्कस देयर सिस्टम्स, उनकी कुछ स्ट्रेटजी होती है, वो उसको डिस्कस करना चाहता है, बट दूर से देखने पे दे लुक लाइक फुटबॉल है ना. मैं उनको बोल रहा हूं फुटबॉल है, तो फुटबॉल इज अ पार्ट ऑफ सॉलिड, तो मैं उनको बोल सकता हूँ सॉलिड. जब फर्स्ट पावर प्ले होता है, तो जो प्लेयर्स होते हैं ना, कुछ एक बाउंड्री लिंग होती है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैच देखते हो कि नहीं देखते हो, है ना. तो नहीं, अब वो बात की बात है, आप क्या बोल रहे हो. तो चूंकि पावर प्ले चलता है, तो फर्स्ट पावर प्ले में एक रिस्ट्रिक्टेड लाइन होती है, उसके अंदर ही सब खड़े होते हैं. अच्छा, लास्ट में जब स्लैंग ओवर आता है ना, तो चौके छक्के की बरसात होनी होती है, तो मैक्सिमम प्लेयर आपको बाउंड्री पे मिलेंगे, बहुत कम होंगे जो अंदर मिलेंगे. तो एक्चुअली मैं कन्वर्जन में दिखा रहा था, जब फर्स्ट पावर प्ले में थे तो उनको मैंने लिक्विड बोला था, और जब स्लैंग ओवर में पहुंच गए, चौके छक्के की बरसात होनी थी, सब बाउंड्री पहुंच गए, तो उनको चलना पड़ा, और चलने पे फिर उनको मैंने गैस बोल दिया. तो यहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत पास थे, जन दूर थे, बहुत दूर हुए, ये तो मैंने आपको बताया. इनके पीछे की कहानी क्या है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जब लिक्विड में बदले होंगे तो उनको चलना पड़ा होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब गैस में कन्वर्ट हुए होंगे तो भी उनको चलना पड़ा होगा, शायद ज्यादा चलना पड़ा होगा. तो जो अंतर है, चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी. एक्चुअली में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच जो डिफरेंस है, वो सिर्फ एक बात का है, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का. सॉलिड के बीच काइनेटिक एनर्जी नहीं होती. हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है, वो मास है, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मास काइनेटिक एनर्जी का ही एक डेरिवेटिव फॉर्म है, तो है. लेकिन फिजिक्स और मैथ से मैं ऐसा परेशान हूं, मैं क्या दुनिया परेशान है, जो चीजें बहुत कम होती है उसको बोलते हैं बहुत नगण्य, माइन्यूट, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो एक नेग्लेक्ट कर दिया जाता है कि इसके अंदर एनर्जी है जरूर. तो सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, लिक्विड के अंदर उसके कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई दे फ्लोट, वो मूव करते हैं. और गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि मैं छोड़ दूं तो पूरे कमरे में घूम सकती हो. समझ में आ गई बातें. सो व्हेनेवर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो एक बात का साफ अंतर है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी का. यहां तक समझ में आ गई बात है. टेम्परेचर नहीं बोलूंगा, टेम्परेचर इज ओनली टू सेंसेशन दैट ये चीज गर्म है या एक एनर्जी तो है. टेम्परेचर वर्ड यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, एनर्जी वर्ड यूज करना इंपॉर्टेंट है. ओके, हर एक चीज का अपना एक टेम्परेचर तो है ही है, लेकिन उस टेम्परेचर पे सारे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे नहीं. अंटिल दे विल नॉट गेन सुटेबल काइनेटिक एनर्जी, एनी मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव. सॉलिड के अंदर मूवनेस नहीं है, मूव नहीं कर सकता, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी नहीं, बहुत कम है. अब बच्चा बात यह थी, सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी गई कहां. देखो, जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है ना, आप चाहे जहां वहां घूम सकते हो, बट एक बार जब आपकी शादी हो जाएगी, या सपोज दैट इफ यू विल कम इन कॉन्टेक्ट विद समवन, आप किसी पर्टिकुलर बॉन्ड में आ जाते हैं ना, तो आपको अपनी एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी. एक्चुअली में जब भाई आप शादी हो जाएगी, तो आप अपने सासू माँ से या हस्बैंड से आपको पूछना पड़ेगा ना कि मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती. हाँ, अगर आपको तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई. अब अगर आपको अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, तो सासू माँ को दो थप्पड़ मारना पड़ेगा, देन यू विल गेन योर काइनेटिक एनर्जी ना, तो आपकी एनर्जी बढ़ गई. तो अगर मॉलिक्यूल एटम अगर बॉन्ड बना चुका होता है, व्हेन यू विल कम अ पर्टिकुलर एटम विल कम इन कॉन्टेक्ट विद सम अनदर एटम, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अपने आप कम हो जाती है.
बात समझ में आ गई। इसीलिए समुद्र के किनारे बसे हुए जितने भी शहर हैं सब में मॉडरेट टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। अभी आप गर्मियों में अगर बॉम्बे में आपको भेज दूं तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा। सर्दियों में मैं आपको अगर बॉम्बे भेज दूं तो बहुत ज्यादा सर्दी का एहसास नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा? उसका रीजन, जब आप सर्दियों में जाएंगे बॉम्बे तो आपको बहुत ज्यादा सर्दी का एहसास इसलिए नहीं होगा क्योंकि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, चूंकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? फ्रीज होना चालू करेंगे, और फ्रीज होने में दे विल मेक अ बॉन्ड, और बॉन्ड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इनको एनर्जी रिलीज करनी होती है। तो जो टेम्परेचर कम हुआ होता है, जो निकलने वाली एनर्जी उसको मॉडरेट कर देती है, इसलिए आपको ज्यादा ठंडी का एहसास नहीं होता। व्हेन यू विल कम, आप बॉम्बे फिर जाते गर्मियों के टाइम में, तो व्हाट वुड हैपन, जो समुद्र में बनी हुई बर्फ होती है वो पिघलना चालू करती है। अच्छा, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जो टेम्परेचर ज्यादा होता है वो मॉडरेट कर दिया जाता है। That clear? Yeah. तो बॉन्ड का खेल बहुत है इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में। That is, आपको अलग अलग टाइप के, मेरा एक नेक्स्ट लेक्चर भी होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं और उन बॉन्ड्स का क्या इन्वायरमेंटल खेल है। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो मॉइस्ट और ड्राई हीट के बीच अगर डिफरेंस देखना है तो ये क्या है? मॉइस्ट क्या है? दैट इज यार, ये तो गैस है और कोई सिंपल गैस नहीं है, H2O कंटेनिंग गैस है। अच्छा, ये जो H2O है कोई सिंपल वाटर नहीं है, हाई टेम्परेचर, ये सॉरी लो टेम्परेचर वाला, ये हाई टेम्परेचर कंटेनिंग वाटर है, यानी इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है और गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ड्राई के केस में देखा जाता है कि सिर्फ ये गैस है बट कोई हाई टेम्परेचर कंटेनिंग एनर्जी इसके पास उतनी ज्यादा नहीं इस रिस्पेक्ट में दैट। तो देखा जाए इसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी और ड्राई की काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिलेगी? कम मिलेगी। ओके, यानी पहला अंतर आपको मिला, मॉइस्ट हीट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और ड्राई हीट की काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिलेगी? कम मिलेगी। दूसरी चीज, अगर मैं कोई एक इंडिविजुअल है उसको मैं बंदूक से मारूं, बंदूक में गोली भर के उसको मार दूं, ओके, और कोई दूसरा इंडिविजुअल है जिसको मैं उसी गोली को हाथ से फेंक के मारूं, तो कौन मरेगा? शायद बंदूक से निकली हुई गोली ज्यादा मार सकती है, मेरे हाथ से निकली हुई। यहां पे गोली तो सेम है, जो बंदूक से निकली वही गोली थी, मेरे हाथ से निकलने वाली गोली भी सेम थी, दोनों ही टारगेट पे जाके टकराई, लेकिन बंदूक से निकलने वाली गोली ने अपना काम कर दिया, हाथ से निकलने वाली गोली, आई एम नॉट लाइक रजनीकांत की हाँ मैं फेंक के मारूं तो मर जाऊं, एक एक्सेप्शन इज एवरी हो अराउंड दिस यूनिवर्स, देखा जाए तो सब कुछ है, बट जनरली क्या होता है कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होगी, यानी मॉइस्ट हीट की पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होती है और ड्राई हीट की पेनिट्रेशन पावर कम होती है। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज, अगर मैं एक बात करूं लैटेंट एनर्जी की, लैटेंट एनर्जी क्या होता है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी टू, दैट इज लैटेंट एनर्जी, इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। अगेन, लैटेंट एनर्जी का मतलब क्या? वैसे कहा जाता है लैटेंट एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है उसी की लैटेंट एनर्जी भी ज्यादा होती है। लेकिन लैटेंट एनर्जी का मतलब आप समझिएगा, मेरे हाथ में सपोज दैट ये दो मार्कर है, दोनों का ही टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है इनिशियल, ओके, मैं चाहता हूं कि मैं दोनों टेम्परेचर, दोनों मार्कर का जो टेम्परेचर 60 डिग्री है इसको मैं 61 कर दूं, तो एक को मैं ड्राई हीट देता हूं, एक मॉइस्ट हीट देता हूं, तो कौन है जो ये जल्दी अटेंड कर देगा? इट इज मॉइस्ट हीट। एक डिग्री जल्दी कौन इंक्रीज कर सकता है? मॉइस्ट हीट। इसी यही लैटेंट एनर्जी आपको मैं समझाना चाहता हूं। इसीलिए वाटर बाथ आपने सुना है ना, वाटर बाथ, वाटर बाथ का डेवलप जन्म ही इसीलिए हुआ है, किसी भी टेम्परेचर को आप जल्दी अटेन करना चाहते हो तो यह काम मॉइस्ट हीट बखूबी कर सकती है। इसीलिए हम अगर कोई भी इंक्यूबेशन का काम करते हैं तो वाटर बाथ में करते हैं, बिकॉज दैट प्रोवाइड मॉइस्ट हीट। वही चीज आपको ड्राई हीट करने में, ऐसा नहीं कि वो टेम्परेचर आप अटेन नहीं कर सकते, डेफिनेटली यू विल, बट यू विल हैव टू टेक द टाइम, आपको काफी टाइम देना पड़ेगा टू अटेन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। समझ में आ गई बात? और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो किलिंग की, अगर मैकेनिज्म की बात मैं करूं तो मॉइस्ट हीट हमेशा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करता है, दैट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, और ड्राई हीट कैसा करता है? रेडॉक्स रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस समझते हैं क्या होता है? आज मतलब बचपना याद आ रहा है ना, छोटी छोटी चीजें। हाँ, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? सम ब्रेकडाउन ऑफ, हाँ ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट? वाटर का ब्रेकडाउन इज नॉट हाइड्रोलिसिस बेटा। देखो मेरे पास सपोज दैट ये था, ओके, एक मॉलिक्यूल रहा होगा जो दो एटम ए और बी के बीच बना हुआ है, ये बॉन्ड है, व्हाट वुड दैट, आई विल प्रोवाइड हाई टेंपरेचर, ठीक है, ये हाई एनर्जी का टेंपरेचर, मैंने पानी दे दिया, स्टीम, दैट इज नोन एज स्टीम।
तो व्हाट विल हैपन, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ एच जुड़ गया, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या जुड़ गया, फॉर्मल जुड़ गया. So that is breakdown of bond in the presence of water, that is hydrolysis. Never said that is breakdown of water is hydrolysis. समझ में आ गई? किसी भी बॉन्ड का पानी की प्रेजेंस में टूटना, that is known as hydrolysis. Clear? तो जब मैं moist heat दूंगा तो चाहे DNA होगा या जो भी biomolecules होते हैं वो moist heat के contact में जैसे ही आते हैं उनकी hydrolysis reaction होती है जिसकी वजह से चीजें degrade हो सकती हैं. जो बैक्टीरिया के केस में या किसी भी माइक्रोब्स को किल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो देखा जाए कि स्टरलाइजेशन की जो प्रोसेस को प्रॉपरली कंप्लीट करा सकती है वो मॉइस्ट हीट ज्यादा यूज है. इज दैट क्लियर? तो मैं अभी तक आपको ये मॉइस्ट और ड्राई के बीच एक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस दिखाया था. नाउ वी विल सी दैट कि अब यूज कैसे करना है इसको. इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? मॉइस्ट हीट के तीन पार्ट में हम खेलते हैं. एक होता है ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, एक होता है अबव 100 डिग्री सेल्सियस, और एक होता है दैट इज बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? ऑन 100 डिग्री सेल्सियस को वी नो दैट दैट इज बेसिकली वाटर के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो दैट इज बॉइलिंग. बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो हम फेनोमेनन करते हैं दैट इज पास्चराइजेशन. एंड अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे लिए फेमस चीज है दैट इज ऑटोक्लेव. ठीक है? पहले हम बात करते हैं बॉइलिंग की. क्या चीजें होती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बॉइलिंग? बॉइलिंग क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो? नहीं, हिंदी इंग्लिश में वो नहीं पूछ रहा मैं, उबालना है व्हाट एवर. व्हाट इज बॉइलिंग अगर मैं आपसे पूछूं? ये बॉइलिंग का प्रोसीजर फेनोमेनन क्या होता है बॉइलिंग? काइनेटिक एनर्जी तो जाहिर सी बात है वो तो पास्चराइजेशन से भी आप कर सकते हो, इवन ऑटोक्लेव से भी आप कर सकते हो. तो अंतर क्या रह गया तीनों? देखो, एक बॉइलिंग में आपको समझाता हूं. एक मूवी आई थी कुश्ती, आपने देखा था क्या? कुश्ती सुना था? राजपाल यादव और खली के बीच हुई थी. तो उसमें एक सीन क्रिएट होती है, एक रिंग होती है जहां पे फाइट होनी होती है. तो शुरुआत में राजपाल यादव और खली के बीच एक फाइट होती है. तो होता क्या है कि उसमें शुरुआती दौर पे खली जो होता है वो राजपाल यादव का हाथ और गर्दन दबा के रखा होता है. पता नहीं कहां से उसके पास थोड़ी शक्ति वक्ति आती होगी, अंदर से उसका जो ईगो है या जो भी उसको जागता होगा, एनर्जी मिलती है, थोड़ा सा पुश करता है. तो पुश करने से जो खली होता है वो जाकर रिंग पिटक रहता है. अब अगर राजपाल यादव इतना ही कर ले तो उसकी खुशी का ठिकाना कहाँ है? वो लगा वहीं पर जंप करने. द कंडीशन वॉज बॉइलिंग. मैं आपको देखा, एक भगोना है, एक कोई कंटेनर है, आप उसमें दूध रखे हो, आप घर में उबालते ही हो दूध को, तो आप उसमें दूध रखे हो. दूध को आपने हीटर पर रख दिया या कोई इंडक्शन वॉट एवर जो भी था आपके पास, गैस पे आपने रख दिया. एंड यू लाइट द गैस, आपने गैस जलाई, यू प्रोवाइड लेटर काइनेटिक एनर्जी. जो भगोने में दूध है वो थोड़ी देर के लिए राजपाल यादव समझना, ठीक है? शुरुआत में भगोने में रखा हुआ दूध बिल्कुल शांत रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि खली यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्चुअली में भगोने के ऊपर जो एयर होते हैं उसको प्रेस करके रखते हो, दैट इज एयर प्रेशर. तो वो हमारा खली है, उसने उसको दबा के रखा हुआ था. हमने क्या किया? वी लाइट द गैस, हमने गैस जलाई, वी प्रोवाइड लिटिल काइनेटिक एनर्जी टू आवर राजपाल यादव. हमने अपने राजपाल यादव को थोड़ी सी एनर्जी दी. जब उसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर खत्म हो गया, जो इफेक्ट था. कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि उसकी एनर्जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाती है. अगर एटमॉस्फेरिक एनर्जी से ज्यादा का अगर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया हमारा ऑब्जेक्ट तो वो बॉइलिंग नहीं है, देन वो तो इवेपोरेशन के पार्ट में आ जाता है. रिमेंबर दिस, बॉइलिंग में कभी भी इवेपोरेशन नहीं होता. हाँ, न्यूक्लिएशन ऑफ स्टीमिंग में आकर, डेफिनेटली दैट में आकर होगी जरूर. न्यूक्लिएशन ऑफ स्टीमिंग मतलब भाप बनने की शुरुआत. एक डिग्री मैंने और दे दिया तो स्टीमिंग हो जाएगी, लेकिन बॉइलिंग में ऐसा होता नहीं है. बस न्यूक्लिएशन ऑफ स्टीमिंग होगी, कभी स्टीम का फॉर्मेशन नहीं होता. तो इतनी एनर्जी आ जाती है इसके अंदर कि वो डेफिनेटली जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जो 37 या 38 डिग्री या 40 डिग्री पर सर्वाइव करते हैं उनके लिए काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इसमें अटेन कर चुका होता है. तो लेथल इफेक्ट साबित होता है, इसलिए हम घर में बॉइलिंग यूज करते हैं अमूमन दूध को या किसी भी चीज को खराब होने से बचाते हैं. तो बेसिकली दैट इज इंपॉर्टेंट. तो हाँ, लेकिन बॉइलिंग एक बैक्टीरिया के स्पोर को मार सके ये इतना आसान नहीं है. Until you are not giving the proper time, जब तक आप उसको एक lethal effect, एक होता है lethal timing, जब तक आप boiling से उसको नहीं देते हैं bacteria के spore मर नहीं सकता. हाँ, bacteria को मारना that is आप मार सकते हो उससे. Next अगर हम बात करें that is below 100 degree Celsius, that is pasteurization. समझ में आ गई बातें?
पास्चराइजेशन क्या होता है, आप दूध को 63 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं, कितने देर के लिए, 30 मिनट के लिए, एंड देन आप क्या करते हो, सडन उसको 4 डिग्री पर क्या कर देते हो, कूल कर देते हो, यही तो होता है पास्चराइजेशन। तो ऐसा क्यों करते हो, 63 डिग्री पर 30 मिनट के लिए गर्म, देन 4 पे कूल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस पास्चराइजेशन, दूध को खराब होने से बेसिकली बचाने के लिए कंपनी जो इंडस्ट्री होती है डेयरी इंडस्ट्री, वो पास्चराइजेशन को यूज करती है। अब इसमें यह होता है कि दूध को खराब कौन करता है, या दूध में रहने वाले बैक्टीरिया, अच्छा दूध में रहने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वही दूध को खराब करते हैं, और अमूमन उनको जो टेम्परेचर पसंद है वो 37 to 40 डिग्री। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक तो रूम टेम्परेचर, एक हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, दूसरा जिस ऑर्गेनिज्म से निकल करके वो आते हैं, बेसिकली माइक्रोब्स ज्यादातर कंटामिनेशन कहाँ से होता है, सोर्स से होता है। दूध अगर मैंने भैंस से निकाला तो भैंस के अंदर कुछ माइक्रोब्स होंगे वो भी आते हैं, जैसे आप बहुत सारी बीमारी का नाम सोचते हैं, मस्टाइटिस वगैरह होते हैं, तो ये इंसानों में पहुंच जाते हैं, दैट इज द उसी मिल्क के जरिए पहुंच सकते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। उसी तरीके से दूध को खराब होने मैक्सिमम जो माइक्रोब्स होते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म से निकल के आते हैं जहां से दूध को निकाला जाता है। अच्छा, उसका बॉडी टेम्परेचर लगभग 37 to 40 or 45 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, तो ज्यादातर बैक्टीरिया उसी टेम्परेचर को पसंद करते हैं। हमने यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया है वो कितना दिया है, 63। ये 63 डिग्री सेल्सियस उन माइक्रोब्स के लिए एक हार्श एडवर्स कंडीशन साबित होगा, व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, एक टेम्परेचर इफेक्ट है यहाँ पर। तो जैसे ही 63 डिग्री सेल्सियस में दूंगा, दूध में रहने वाले बैक्टीरिया के लिए दो चीजें हैं, जिनको मरना है मर जाएं, द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द स्पोर्स डेफिनेटली दैट विल किल ओवर देयर, वो मार दिए जाएंगे। तो यहां पर कुछ ऐसे माइक्रोब्स होंगे जो स्पोर बनाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो किल कर दिए जाएंगे। जो मर गए वो भी दूध नहीं खराब कर सकते, और जो स्पोर बना लिए वो भी नहीं खराब कर सकते, क्योंकि स्पोर्स आर नॉट मेटाबॉलिक एक्टिव, वो मेटाबॉलिक एक्टिव नहीं होते, क्लियर। तो दैट हैव नॉट टेंडेंसी टू डैमेज और टू डिग्रेड द स्पॉयल द मिल्क, वो नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन ये 63 डिग्री सेल्सियस पर ये कारनामा हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये 63 डिग्री सेल्सियस ही क्यों, और मात्र 30 मिनट के लिए, क्योंकि दूध वालों ने आपसे वादा किया है कि वो आपके घर न्यूट्रिटिव दूध पहुंचाएंगे। एक्चुअली में दूध में रहने वाली जो प्रोटीन होती है वो 63 डिग्री सेल्सियस सिर्फ 30 मिनट ही झेल सकती है, जैसे ही 31 मिनट हुआ वो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी। यानी आपके घर में जैसे आप दूध पीते हो ना, तो दूध उबाल के पीते हो, उबालने से बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं दैट विल डीनेचर, वो खराब हो जाते हैं, तो यू विल नॉट टेक अ डिलीशियस, यू विल नॉट टेक अ न्यूट्रिटिव मिल्क। तो दूध में रहने वाला जो प्रोटीन है वो 63 डिग्री सेल्सियस सिर्फ 30 मिनट ही झेल सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब आप जाइए दूध को पास्चराइज करिए 63 डिग्री पर 30 मिनट तक आप गर्म करिए, तो आपने गैस पे रखा अपना मिल्क, जैसे ही 63 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट हुआ आपने काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जैसे ही 30 मिनट हुआ आपने गैस बंद कर दिया, आपको क्या लगता है दूध आपका ठंडा हो जाएगा गैस बंद करते ही? नहीं, आपका जो मिल्क दूध है अभी भी वही टेम्परेचर गेन किया है गैस बंद करने के बावजूद भी, और टाइमिंग अपने आप बढ़ रही होगी 31, 32, 33, तब तक तो आपका दूध प्रोटीन टूट जाएगा। ये 30 मिनट 31 मिनट ना बन जाए, विल हैव टू प्रोटेक्ट इन दैट 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको इनक्यूबेट कर दिया जाएगा। यानी ये जो 4 डिग्री है ना, ये 30 टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए पास्चराइजेशन में की जाती है। समझ में आ गई बातें? इसीलिए कहा जाता है कच्चा दूध पीना हानिकारक है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स कंटामिनेशन होते हैं, उबला हुआ दूध से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपके अंदर, यानी न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल सकता, तो मिल्क कौन सा पीना चाहिए, पास्चराइज्ड। समझ में आ गई बातें? हाँ, कुछ लोग अब इस पास्चराइजेशन को, ये तो मैं सिंपल पास्चराइजेशन आपको बताया जो नॉर्मली यूज किया जाता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो बिल्कुल आप बढ़ा सकते हो, देन 70 डिग्री सेल्सियस आप जा सकते हो। अगेन इसको आप 15 सेकंड के लिए करोगे एंड दैट इज 4 डिग्री पर कूलिंग, और बढ़ाना चाहते हो आप 80 डिग्री सेल्सियस पे जा सकते हो 10 सेकंड के लिए एंड 4 डिग्री पर कूलिंग। इसको बोलते हैं पास्चराइजेशन, इसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन, इसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन। दीज आर द सम वेरिएंट्स ऑफ पास्चराइजेशन व्हिच इज बेसिकली यूज्ड डेयरी इंडस्ट्री, और बहुत सारे जो बिस्किट वगैरह के जो कंपनियां होती है बेसिकली दे फॉलो दैट हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन ऑल्सो। सो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन विच द इंडस्ट्रीज आर डेयरी इंडस्ट्रीज आर वर्किंग ऑन दैट, एंड दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पास्चराइजेशन। यू शुड टेक द नॉलेज विद पास्चराइजेशन बिकॉज ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट साबित होता है। यहां तक समझ में आ गया? नाउ मूविंग टुवर्ड द
100 degree, above 100 degree Celsius, that is autoclaving. That is also the good part of our experimental work. हमारे experiment काम करने के लिए बड़ा important topic है ये. अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the concept behind the autoclave, क्या principle होता है? कुछ तो सुना होगा, ऑटोक्लेव सुना है कि नहीं? देखा भी है. क्या प्रिंसिपल होता है इसका? नहीं बेटा, यही तो वो चीज है जो बनी है कंप्लीटली किल करने के लिए. देखिए, अमूमन स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या बोलते हैं कि ये 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 PSI 15 मिनट के लिए हम रखते हैं तो वो ऑटोक्लेव होता है. बेसिकली वो प्रिंसिपल नहीं होता बेटा, वो एक एप्लीकेशन इनिशिएशन है उस ऑटोक्लेविंग का. प्रिंसिपल वो नहीं होता. आप इसका प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास अगर एक परफ्यूम की बॉटल है ना, तो ये परफ्यूम की बॉटल, इसमें मैंने क्या कर दिया, गैस भर दिया. एक परफ्यूम की बॉटल को अगर मैं आग में फेंक दूंगा तो एक धमाका होगा. क्यों होगा? यदि परफ्यूम की बॉटल है, इसके अंदर परफ्यूम भरा, परफ्यूम बेसिकली गैस है. क्या है? गैस. और गैस की काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा होती है, मैं अभी आपको बता चुका हूं. प्लस उसको मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर दे दिया, एनर्जी दे दिया. एक तो काइनेटिक एनर्जी इसकी और ज्यादा पहले ही ज्यादा थी, प्लस ऊपर से मैंने और एनर्जी दे दिया, क्योंकि मैंने यहां पर हमारा जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है. एंड व्हेन आई विल प्रोवाइड द टेम्परेचर, तो हर एक मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. जब हर एक मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भागेंगे, क्योंकि हमारा वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट है, तो कंटेनर के वॉल पर जाकर के वो टकराएंगे. टकराने का मतलब है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड दैट इज प्रेशर. सो व्हाट वुड हैपन व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर, दैट विल आल्सो इंक्रीज. सो एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. अगर ये बोतल की वाल कमजोर रही ना तो ब्लास्ट कर जाएगा. इसीलिए घर में प्रेशर कुकर फटते हैं. समझ में आ गई बात? आइए मैं आपको इस ऑटोक्लेव का कॉन्सेप्ट दिखाता हूं. देखिए, हमारे पास एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक चैम्बर होता है. स्टेनलेस स्टील समझते हैं क्या होता है? स्टेनलेस स्टील मतलब अगर हम उसमें कुछ बॉयल वगैरह कर रहे हैं तो वो जो सामान है उसके अंदर वो मतलब मेटल के साथ रिएक्ट. नहीं बेटा, देखो आप घर में जो बर्तन आते हैं ना प्योर स्टील के नहीं होते, उस स्टील में डोपिंग होती है. 4% क्रोमियम के अलॉय होते हैं, अशुद्धियां होती है, अयस्क होते हैं. अगर उसी क्रोमियम का जो परसेंटेज है वो 4% से बढ़ा करके 10 से 14%, यानी हाई डोपिंग ऑफ क्रोमियम कर दिया जाता है किसी भी स्टील में, देन दैट इज नोन एज स्टेनलेस स्टील. तो स्टील और स्टेनलेस स्टील में जो डिफरेंस आता है वो क्रोमियम की इंप्योरिटी का आता है. व्हेन यू विल इंक्रीज द डोपिंग ऑफ क्रोमियम इंप्योरिटीज, दैट इज टिल 10 to 14, देन दैट परसेंटेज, देन दैट इज स्टेनलेस स्टील. एंड इफ यू आर कमिंग डाउन, दैट इज ओनली द 4% ऑफ क्रोमियम डोपिंग इज पर्टिकुलर स्टील, देन दैट इज ओनली नॉर्मल स्टील. ओके, अब हाई क्रोमियम की डोपिंग से प्रॉब्लम, इससे इंपॉर्टेंस क्या आती है कि इसकी जो जंग विरोधी शक्ति यानी एक कोरोजन रेजिस्टिव पावर एंड टेम्परेचर रेजिस्टिव पावर इस क्रोमियम की वजह से इसके अंदर आती है. इसमें क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा बकेट लगा दिया जाता है और बकेट में छोटे छोटे परफोरेशन होते हैं, जाली रखी जाती है, छेद होता है लाइक दैट. एंड यहां पर हीटिंग फिलामेंट लगा दिया जाता है, दैट इज हीटिंग फिलामेंट. वही इमर्शन रॉड होता है एक तरीके से, पानी गर्म करने वाला रॉड. मैं क्या करता हूँ, इसमें एक चाहे पैडल लिफ्टिंग सिस्टम या हैंड लिफ्टिंग सिस्टम का एक ढक्कन होता है, लिड, उससे के जरिए क्लोज कर दिया जाता है. तो डेफिनेटली जब चारों तरफ से पैक हो गया तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है इसका. अब जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पानी भर दूंगा, तो हीटिंग फिलामेंट जब इमर्शन रॉड जब गर्म होगा तो अपना टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल फॉलो होगा. यहाँ पर जो भी टेम्परेचर होगा वो पानी को जाएगा. अच्छा, पानी जब टेम्परेचर गेन करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. और जब पानी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो पानी थोड़ी ना रह गया, अब तो गैस में कन्वर्ट होगा. तो इन्हीं परफोरेशन के थ्रू वो गैसेस इस कंटेनर के अंदर आते हैं, ठीक है. अब होता क्या है कि बैक्टीरिया उसके स्पोर को मारने के लिए क्या होता है कि एक प्रॉपर डिसाइड किया गया कितने पे स्पोर किल हो सकते हैं. तो ये माना जाता है कि 121 डिग्री सेल्सियस चाहिए. तो ये जब हमें क्या करता है, जब ये गैस अंदर पहुंचती है तो पहले एक गैस आई, दो गैस आई, तीन गैस आई, धीरे धीरे क्या होगा, मिलियन गैस आएगी. और जब मिलियन गैस आएगी तो स्पेस, चूंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इनमें आपस में कोलाइजन होगा. हर एक गैस दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगी,
साथ में इस कंटेनर से भी टकराएगी, एंड जब कोलाइजन होता है तो एनर्जी और रिलीज होती है, तो इसका टेम्परेचर और जल्दी बढ़ता है। समझ में आ गई बात है? दो पत्थर अगर आप टकराते हैं तो एनर्जी और जल्दी आपको रिलीज मिलती है। तो 121 डिग्री सेल्सियस अटेन करने, 121 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पे मेजर नहीं करते, इसमें हम एक गॉज मीटर लगा देते हैं जो प्रेशर मेजर करता है। तो ये 121 डिग्री सेल्सियस हम किसी थर्मामीटर से मेजर नहीं करेंगे, बल्कि हम मेजर किससे करेंगे? प्रेशर से। तो ऐसा माना जाता है कि 15 psi पर स्क्वायर इंच अगर अंदर का प्रेशर है, ये प्रेशर कहां से डेवलप हो रहा है? व्हेन द गैसेस मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू कोलाइज विद ईच अदर, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट दिस 15 psi पर स्क्वायर इंच का जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, इसका जो टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इस कंडीशन पर आप जो स्पोर की किलिंग होती है वो 15 मिनट तक रखने पर होती है। इज दैट क्लियर? अब ऐसा क्या कि स्पोर, यानी हम ऑटोक्लेव इसी पे करते हैं? नहीं, एक्चुअली में ऑटोक्लेव 121 डिग्री सेल्सियस तो इनिशिएशन है, आप 137 डिग्री सेल्सियस तक चला सकते हैं। प्रियॉन होता है वायरस का सवा संबंधी प्रोटीनियस पार्ट होते हैं, खासकर ये 134 डिग्री सेल्सियस पर इनकी किलिंग कुछ बुक्स रेफर करती है। तो ये ऐसा नहीं कि आप 121 ही कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। से आप एक इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री या बायो प्रोसेस में आप काम करते हैं, तो वहां पर जो फर्मेंटर चलाए जाते हैं वो 137 डिग्री सेल्सियस पर चलाया जाता है, इवन 17 psi पर चलता है, 15 psi पर नहीं चलता। तो ये जो आप बेसिक सुनते हैं ये एक इनिशियल प्रोसेस है जो नॉर्मल छोटी लैब में होता है, बट जैसे जैसे आप पैथोजेनिसिटी की तरफ बढ़ते हैं आपको कहीं ना कहीं ये जो पैरामीटर्स होता है ये बदलना पड़ता है। तो वी हम रिगिड होकर नहीं कर सकते कि 121 डिग्री सेल्सियस 15 psi 15 मिनट, इसी पे हम एक ऑटोक्लेव चलाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द ड्राई हीट, कोई डाउट यहां तक? नहीं, कोई डाउट नहीं ना? ओके, सो मूविंग टुवर्ड द ड्राई, ड्राई में जो पहला पार्ट आता है दैट इज हॉट एयर ओवर, नाम सुना है आपने? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली जो हम यूज करते हैं स्टरलाइजेशन की दुनिया में, या डिसइंफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, एक इस तरीके से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट को सपोज दैट कि मैंने डोर ओपन कर दिया, तो आप इंस्ट्रूमेंट जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ होल देखने को मिलते हैं, लाइक दैट एक होल इधर होगा, एक होल इस तरीके से, दो तीन होल मिलते हैं, कभी कहीं में दो होता है, कहीं में चार होता है, और एक होल ऊपर होता है, ठीक है। यहां पर क्या होती है, कैप लगी होती है, यहां पर इस तरीके से छोटे छोटे ट्रे लगे होते हैं, और ट्रे आप देखेंगे तो कैसा होता है, परफोरेटेड होता है, उसमें जालियां होती है, छेद होते हैं छोटे छोटे, लाइक दैट, है ना। ये छेद क्यों होते होंगे, आइडिया कुछ इस तरीके से? नहीं, प्रेशर के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। चलो देखते हैं, यहां पर एक हीटिंग फिलामेंट लगा होगा इस तरीके से। हीटिंग फिलामेंट याद रखिए दो तरीके का होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक ऐसे होते हैं जिनको अगर ना पानी ना दो तो खराब हो जाते हैं, इमल्शन रॉड उसी का गुड प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक फिलामेंट ऐसे होते हैं जिनको पानी की प्रेजेंस में अगर आपने गर्मा दिया तो वो खराब हो जाते हैं, तो ये अलग अलग फिलामेंट उसमें लगाए जाते हैं। सर इसमें कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है इसमें, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखिएगा, यहां पर कुछ होल होते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछूंगा। आपने देखा होगा जितनी भी लंग की प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर सर्दियों में होती है, गर्मियों में ये लंग की प्रॉब्लम कम होती है। व्हाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, क्यों ऐसा होता होगा? मैक्सिमम पेशेंट जो आपको लंग के मिलते हैं, दैट मे बी द हाइपर सेंसिटिविटी जो पेशेंट होते हैं या इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स होते हैं, डेफिनेटली विल सी कि उनका जो नंबर्स हैं वो ठंडियों में ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाते हैं, गर्मियों में वो चीज डाउन हो जाती है। प्लूरल रिफ्यूजन के सबसे ज्यादा जो केसेस आपको देखने को मिलेंगे वो सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए ऐसा होता है कि गर्मियों में टेम्परेचर काफी कम होता है, काफी ज्यादा होता है, और ज्यादा टेम्परेचर में हवाओं के साथ जो पानी जुड़ा होता है वो इवोपरेट होकर के उड़ जाता है, हवाएं काफी हल्की हो जाती है, और हल्की हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती हैं। तो जितने भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन और कंटामिनेशन होते हैं उनको सब को लेकर के ऊपर चले जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर लगभग क्लीन हो चुका होता है। कभी सर्दियों में आप कोहरा देखे हो, तो गर्मियों में कोहरा देखा आपने? नहीं मिलते आपको, रीजन है क्योंकि पॉल्यूशन ही होते हैं बेसिकली। तो गर्मियों में सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स ऊपर चले गए होते हैं, तो लगभग हम कहीं ना कहीं वी आर द किसी न किसी पर्टिकुलर चीज से हम एलर्जिक होते जरूर है, मैक्सिमम ये देखा जाता है।
तो सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स जो जो वो ऊपर चले गए, तो एलर्जी नाम की चीज अभी लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन सर्दियां जब होती हैं तो क्या होता है, हवाओं, चूंकि टेम्परेचर बहुत कम हो चुका होता है, तो हवाओं के साथ जो जुड़ा हुआ पानी है इवेपोरेट होकर उड़ नहीं पाता, वो हैवी हो जाती है हवाएं, और हैवी हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती हैं, तो जो पॉल्यूशन और कंटामिनेशन ऊपर गए थे ना उनको लेकर के नीचे आती है, जिसको आप फॉग, कोहरा वगैरह जो आप वर्ड यूज करते हो। तो अब जो पॉल्यूशन है कंटामिनेशन ऊपर गए थे, सर्दियों में कहाँ रहेंगे, नीचे, किसी न किसी चीज से आप एलर्जिक रहते हो तो आप इनहेल कर चुके होते हो। दैट्स व्हाई आपकी जो लंग की प्रॉब्लम होती है, यू विल सी दैट यू विल हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम्स इन विंटर टाइम, नॉट इन समर। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है हवाओं का, मैं एक्चुअली आपको डायरेक्शन सिखा रहा था कि हवाएं, ठंडी हवाएं या जो हैवी हवाएं होती है ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती हैं, और जो हल्की हवाएं होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ। इज दैट क्लियर? एक कॉन्सेप्ट और आपको सीखना होगा कि हमेशा मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? व्हाई द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ओनली? सुना तो है ना? Yes, तो क्या होता है? नो आइडिया? नहीं, ऑस्मोसिस है या डिफ्यूजन है, ये एक फिनोमिनन है जो उस कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोसिस की वजह से, ये कोई लॉजिकल कोई रीजन आंसर, सुटेबल आंसर नहीं होता। ये देखिए ऐसा होता है कि सिंपल सी बात है यार, अगर एक ऑटो खचाखच पीछे भरा हुआ है और आगे ड्राइवर की सीट खाली है, इसके बावजूद भी मैं अगर आपको ऑटो पे पीछे वाली सीट पे ही बैठा हूं जो ऑलरेडी खचाखच भरा हुआ है, सो यू विल ट्राई टू सीट ओवर देयर और नॉट? डेफिनेटली आप भागोगे, आप भी वही करोगे, आगे वाली सीट पे ट्रांसफर करोगे। इफ समबडी इज ऑलरेडी सेट ओवर देयर, सो व्हाट वुड हैपन, यू विल सी दैट क्राउड इज गोइंग ऑन, वहां पे सीट से क्राउड बढ़ रही है। सो व्हाट वुड हैपन दैट कि जो इंडिविजुअल थोड़े समझदार होते हैं वो उतर करके आगे बैठ जाते हैं, तो वो भी वही करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तरफ मूव करते हैं। तो मॉलिक्यूल है, वो भी पृथ्वी का एक मॉलिक्यूल है, आप भी पृथ्वी के एक मॉलिक्यूल ही है। एक्चुअली में होता क्या है कि जहां पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच कोलाइजन होता है। अच्छा, जब मॉलिक्यूल्स के बीच कोलाइजन होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के खिलाफ है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि एंट्रोपी को डिस्कस करता है, किसी सिस्टम की एंट्रोपी नहीं बढ़नी चाहिए वरना वो अनस्टेबल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा, और इस पृथ्वी पे कोई अनस्टेबल होना नहीं चाहता। नदियां भी मूव करती हैं स्टेबल पाने के लिए, समुद्र में जाकर के वो स्टेबल हो जाती है। तो हर एक एटम मॉलिक्यूल्स इस पृथ्वी पर स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है। तो मॉलिक्यूल्स जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वहां पर कोलाइजन ज्यादा होगा, कोलाइजन ज्यादा होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी एंट्रोपी बढ़ गई, तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं। सिस्टम की एंट्रोपी नहीं बढ़नी चाहिए बल्कि यूनिवर्स की आप बढ़ा सकते हो। तो मॉलिक्यूल्स उधर भागने की कोशिश करते हैं जिधर कोलाइजन कम हो। कोलाइजन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो दे विल गेन टू स्टेबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो एक वर्ड है एक्चुअली में, जो मॉलिक्यूल्स हाई टू लो भागते हैं दे वांट टू मेंटेन देयर काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गई बातें? अब इस अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को इस हॉट एयर ओवन के कमरे में रख रहा हूं तो कमरे में एयर ज्यादा है बल्कि इस मशीन के अंदर वो उतने एयर नहीं है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्डअप होगा जरूर वहां पर। तो हाई से लो की तरफ मूव करेंगे तो वो हवाएं एनवायरनमेंट से इस होल के थ्रू इस चैम्बर के अंदर एंटर करेंगे। अच्छा, अमूमन इस कमरे के अंदर जो हवाएं होती है इतनी ज्यादा हल्की नहीं होती, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, जाहिर सी बात है हवाएं हैवी होंगी, और हैवी हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती हैं, तो इन्हीं जो परफोरेशन है, जो जाली है, इसी के छेद के थ्रू नीचे आएंगे। इधर आपने हीटिंग फिलामेंट ऑन कर दिया, गर्म कर दिया, तो हवाएं कन्वेक्शन मेथड के थ्रू हीट गर्म होंगी, और जब जैसे ही हवाएं गर्म होंगी इनसे जुड़ा हुआ जो पानी है इवेपोरेट होगा, वो पानी जुड़ा हुआ इवेपोरेट इसी लिड के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करता है। कई बार हम हॉट एयर ओवन में जो टोपी लगी होती कैप, इसको बंद कर देते हैं तो हवाएं जो पानी इवेपोरेट होकर आता है ऊपर टकराता है, जैसे टकराएगा अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा और फिर वहीं पर तुरंत अपना फेज कन्वर्ट कर देता है, यानी वो गैस से तो लिक्विड में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम किया लिक्विड में आ गया। तो आप देखेंगे जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं बगल में लिक्विड लिक्विड लगा होता है, तो कई बार सोचते हैं पानी आया कहां से, बट ये नहीं सोचते कि जो वहां पे ऑलरेडी जो मॉइस्चर था उसमें जो पानी इवेपोरेट हुआ होगा वो यहाँ पे कंडेंस हुआ होगा। ये लॉजिकल चीजें हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया जाता है ताकि जो स्टीम जो गैसेस है वो बाहर निकल जाए। इज दैट क्लियर? तो ये गर्म हवाओं का झोंका इन्हीं ट्रे के छेद के थ्रू मूव होता रहता है, जो टेम्परेचर आप चाहें, यहाँ पर नॉब होता है, टेम्परेचर आप नॉब को घुमा करके वो टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं, उतनी ही गर्म हवाएं यहां से निकलेंगी। अच्छा, हवाओं को आने जाने में टाइम लगता है, तो इसमें ब्लोअर लगा दिया था। अमोन याद रखिए, ब्लोअर कोई
इन गर्म हवाएं निकालता नहीं है, ब्लोअर इज द ओनली फैन जो गर्म हवाओं को रोटेट करता है। तो एक फैन लग जाता है, इसको आप ब्लोअर वर्ड बोलते हो, गर्म हवाओं को क्या करता है, रोटेट करता है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर यूटेंसिल्स आप रखते हो वो उसको स्टरलाइज डिसइंफेक्टेंट जो भी उसका क्राइटेरिया होगा वहां पर वो उसको फॉलो करता है। इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये क्या टेम्परेचर है वहां पर, समझ में आ गई बात है। तो दैट वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हॉट एयर ओवन। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। उसके बाद फिर रेड हीट भी हम फॉलो करते हैं। रेड हीट समझते हैं आप, जब आप लैमिनार में बैठते हैं तो वहां पर एक लूप मिलता है बैक्टीरिया को उठाने के लिए, इसका इनोकुलम लूप बोलते हैं, है ना। इनोकुलम लूप किसका बना होता है पता है कुछ आइडिया आपको? नाइक्रोम, नाइक्रोम दैट इज नाइक्रोम वायर। इंस्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, आपका टाइम बचाता है। अभी पता चला इसकी जगह मैं आयरन ले लेता तो हीट ही करते रह जाता है ना, और फिर कूल करते रह जाता तो आधा घंटा तो इसी में टाइम चल जाता। तो नाइक्रोम हैव इंस्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई वी यूज इन दैट इज लैमिनार एयर फ्लो, आपके टाइम को बचत करता है। तो इसको हम तब तक हीट करते हैं जब तक कि रेड कलर में ना हो जाए, सो दैट इज रेड हीट। ठीक है, इसके बाद आप फ्लेमिंग भी करते हो, दैट इज फ्लेमिंग। फ्लेमिंग आप समझते किसी भी चीज को फ्लेम दिखा करते हैं। आप जब लैमिनार में काम करते हैं तो आपका जो कल्चर वेसल्स होता है उसको फ्लेम दिखाते हैं, आप टेस्ट ट्यूब होती है उसके नेक को फ्लेम दिखाते हैं, है ना। इनके साथ आप हैंड वाइप करते हैं 70% एथेनॉल से, तो भी थोड़ा सा फ्लेम दिखा लेते हैं। तो किसी भी चीज को फ्लेम दिखा करके दैट इज ड्राई हीट का पार्ट, ये भी माना जाता है। इंसरिनेशन एक वर्ड होता है दैट भी कहीं पे कुछ फॉलो किया जाता है। इंसरिनेशन में किसी भी चीज को जो अनवांटेड चीज है जिसको आपको यूज नहीं करना, जला करके उसको राख में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज इंसरिनेशन। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो ड्राई हीट में यूज किए जाते हैं। मूविंग द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रेडिएशन। कोई डाउट यहां तक? रेडिएशन, रेडिएशन दो होते हैं, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है दैट इज गामा रेज, यू नो अबाउट दैट। और नॉन आयोनाइजिंग का एग्जांपल कौन है? दैट इज यूवी रेज। बेसिकली ये दो होते हैं जो यूज किए जाते हैं स्टरलाइजेशन में। देखो आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि इनके पास इतनी एनर्जी होती है जो किसी पर्टिकुलर एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बाहर निकाले जाते हैं। तो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो दे विल अटेंड सम चार्ज, उनके ऊपर कोई कोई चार्ज आ जाएगा, इसको आयनाइजेशन बोलते हैं। गामा रेज को हम कोबाल्ट 60 की लैंप से निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? ठीक है, इसका यूज कहां करते हैं? देखिए फ्रूटी देखा है ना, फ्रूटी आप पीते हैं, तो फ्रूटी के चारों तरफ जो पैकिंग होती है उसको टेट्रा पैकिंग बोलते हैं। तो फ्रूटी जब पैकेजिंग के दौरान, ऐसा देखो कहीं कोई भी इंडस्ट्री है अगर पैकेजिंग होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट होता है, पैकेजिंग में ये चीज ध्यान रखा जाता है कि कोई ना कोई कंटामिनेशन ना हो, मगर पैकेजिंग इतनी बेहतरीन हो नहीं पाती कि कंटामिनेशन ना हो। तो डेफिनेटली पैकेजिंग के बाद कुछ ना कुछ माइक्रोब्स या बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। अब अगर पैकिंग हो गई, बैक्टीरिया अंदर पहुंच गया, तब तो अंदर जो भी आपका फ्रूटी वगैरह उसको खराब कर देगा। तो पैकिंग होने के बाद उसको क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 की जो लैंप होती है इसके नीचे से गुजारा जाता है। कोबाल्ट 60 की, चूंकि आपने फिजिक्स का रूल पढ़ा है दैट इज ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, सुना है ना आपने, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा के होता है जिसकी एनर्जी, तो इसका एनर्जी बहुत ज्यादा, लैम्डा इसका बहुत छोटा होता है, तो लैम्डा इसका बहुत छोटा, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर भी अच्छी होती है। तो जो टेट्रा पैकिंग की फ्रूटी की जो टेट्रा पैकिंग है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, और अंदर बैठे जो माइक्रोब्स होते हैं उसमें आयनाइजेशन या बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कंप्लीट करते हैं, उनकी क्लीन कर देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े टिश्यू कल्चर में जो एप्रॉन होते हैं ये भी गामा रे से ट्रीट किए जाते हैं, जब आप टिश्यू कल्चर की लैब में आप काम करते हैं। तो बहुत सारे जो सीरम जो एसेप्टिसीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनको एल्बुमिन वगैरह चढ़ाया जाता है, तो वो जो एल्बुमिन आता है वो भी इसी गामा रे से ट्रीट करके किया जाता है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के जो आपको सीरम हो गया या प्लाज्मा हो गया, एल्बुमिन्स हो गए, इनको ट्रीटमेंट, प्रोटीन हो गए, इनको ट्रीटमेंट हम गामा रे से ही दिया जाता है सम केसेस। नॉन आयनाइजिंग में हम यूवी रेस की बात करते हैं, इसके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी कम होती है। ये तीन होता है, एक होता है यूवी ए, एक होता है यूवी वी एंड एक होता है यूवी सी। सी जो होता है वो 200 से लेकर के लगभग 215 नैनोमीटर का होता है। बी जो होता है वो 215 से लेकर के 300 नैनोमीटर का होगा, और ए जो होता है वो 300 से लेकर के लगभग 400 नैनोमीटर का होता है। समझ में आ गई बातें? इसमें से विच इज डेंजरस फॉर यू, कौन सा खतरनाक है, ए बी या सी? सी, बिकॉज ई इक्वल टू एससी अपॉन लैम्डा, इन तीनों में इसका लैम्डा मुझे लगता है सबसे छोटा है, तो एनर्जी इसकी ज्यादा होगी।
देखो इस पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट सी नहीं आती, क्यों नहीं आती होगी, अल्ट्रावायलेट सी नहीं आती ना सनलाइट में, क्यों नहीं आती, पराबैंगनी किरणें जो आपने सुना है इनको। वैसे जो बुकिश लैंग्वेज में आपको बता दूं कि ओजोन की लेयर इसको रोकती है, एक्चुअली ओजोन की लेयर इसको रोकती वक्ती नहीं है, ओजोन की वो बात उनकी सही है, बट ऐसा नहीं कि कोई ओजोन की लेयर है और उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है, पैराबैंगनी किरणें क्रॉस नहीं कर सकती। एक्चुअली में ओजोन का जो फॉर्मेशन है बेसिकली वो यहाँ पे यूज हो जाती है। ओजोन क्या है, O3, और O3 होने के लिए तीन ऑक्सीजन को आपस में आना पड़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए, उनका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्यों आएंगे। तो उसमें क्या होता है, पहले फ्री रेडिकल्स उनको डेवलप करने होते हैं, जो उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तभी तो फ्री रेडिकल डेवलप होंगे और तब वो O3 बनेंगे, तो उसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। ए कर नहीं सकता, बी का कुछ पोर्शन लगभग जो 215 या 200 के रेंज में है ये कर लेते हैं, लगभग 300 नैनोमीटर की जो होती है ये भी नहीं कर पाते। तो बी का कुछ जो वेवलेंथ वाली लाइट है वो यूज, वो भी O3 बनाने में यूज होती है, और सी तो पूरा पूरा यूज होता है। तो 0.1% में देखा जाता है कि वो बी आती है, सी बिल्कुल नहीं आती, और मैक्सिमम जो अल्ट्रावायलेट आती है इस पृथ्वी पर वो कौन होती है, जितने भी चेहरे की प्रॉब्लम है, टैनिंग है, व्रिंकल्स है, वो सब अल्ट्रावायलेट ए की वजह से होते हैं, और हम सब जो मास्क सनस्क्रीन लगा के घूमते हैं वो अल्ट्रावायलेट बी के लिए बनी जो आती नहीं है, ठीक है। तो वी आर द वेरी इंटेलिजेंट बॉय, हम बहुत अच्छे हैं, बट कुछ कंपनियां हैं जो अब लिखती भी हैं अपने सन प्रोडक्शन फैक्टर 95-25 जो भी बने हैं, UB+A+B करके लिखती है ना वो, अब कुछ कंपनियां जागरूक हुई हैं, लेकिन जो बनाया इन्होंने वो अल्ट्रावायलेट बी को बनाया था सबसे पहले, ए को उन्होंने बनाया ही नहीं था, और इस बात के लिए कि ये ज्यादा खतरनाक है इन कंपेयर टू दी, लेकिन वो आती नहीं तो बनाने का फायदा क्या है हमारे लिए। फिलहाल हमारा ब्यूटी कॉस्मेटिक का कोई खास मतलब नहीं है, मैं स्टाइलाइजेशन की बात करता हूं। यहां पर यूवी रेस को हम मरकरी की लैंप से निकालते हैं, इवन ड्यूटेरियम की लैंप भी होती है, तो दो लैंप हम यूज कर सकते हैं, या तो ड्यूटेरियम की लैंप होगी या तो मरकरी की लैंप होगी। देखिए जितने सस्ते इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मैं बोल दूं जेल डॉक है, या फिर मैं बोल दूं लेमिनार एयर फ्लो है, यहां पर जो लैंप मरकरी लगी होती है वो मरकरी की लैंप होती है, ठीक है, जहां से हम यूवी रेस निकालते हैं। हाई जो कॉस्ट वाले हाई प्राइस्ड वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, HPLC मैं बोल दूं, ठीक है, या तो वहां पर ड्यूटेरियम की लैंप लगाई जाती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोल दूं मैं, तो यहां पर जो यूवी रेज लगाई जाती है वो ड्यूटेरियम कॉस्टली लैंप होती है, समझ में आ गई बात है। अब यहां पर बात आती है कि हमारे जो लेमिनार में हम लगाते हैं वो कौन सा यूवी लगाया जाए, A, B या C, मैंने बोला ए का कोई मतलब बनता नहीं है, सी मैं लगा सकता हूं, खतरनाक है आपके लिए भी, जो लेमिनार में कांच की वाल होती है उसको पेनिट्रेट करके आपको भी परेशान कर सकती है, तो मैं सी यूज नहीं करूंगा। बी, तो ये देखा जाता है कि हम लेमिनार में कितने वेवलेंथ वाली लाइट निकालें कि हमें नुकसान तो ना हो लेकिन जो बैक्टीरिया उनके ऊपर लेथल इफेक्ट साबित हो जाए। तो अमूमन 263 नैनोमीटर की लाइट, 0.7 नैनोमीटर की लाइट हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये वो वेवलेंथ है जो बैक्टीरिया के लिए लेथल इफेक्ट तो है बट हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्ट खास नहीं होता, रेंजेस थोड़े बहुत वैरी करते रहते हैं, वो डिपेंड करता कि क्या यू वहां पे इंटेंसिटी कितनी आ रही है, कितना वोल्टेज है, इन चीजों पर बहुत सारी चीजें वैरी करती है। यहां तक समझ में आ गई बातें, तो ये वो लेमिनार में यूज किया जाने वाला वेवलेंथ है। तो यूवी रेज हम खासकर यूज करते हैं लेमिनार में, अब लेमिनार की आगे कहानी मैं आपको बताते हैं। तो ये समझ में आ गया नायनाइजिंग एनर्जी। Now moving toward the filtration. देखो फिल्ट्रेशन का अभी तक आपने जो चीजें समझा होगा वो शायद एक कॉन्सेप्ट आप जानते हो, साइज के बेसिस पे फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं, फिल्ट्रेशन के कई अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है दैट इज इनर्शियल इंपैक्शन, इनर्शियल इंपैक्शन, इफेक्ट ऑफ इनर्शिया आप इसको सिंपल सी भाषा में बोल सकते हो, That is simple diffusion, simple diffusion. और तीसरा होता है साइज के बेसिस पर, और चौथा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, ओके। देखो इनर्शियल इंपैक्शन, इनर्शियल इंपैक्शन का मतलब है, देखो आपने बीड़ी सिगरेट पिया क्या, पिया क्या सिगरेट ही पिया बीड़ी नहीं देखो बीड़ी और सिगरेट पीने में फर्क क्या है कि बीड़ी पीने से कल मरोगे तो सिगरेट पीने से परसों मरोगे, एक दिन का थोड़ा सा अंतर मान लो। अब ऐसा क्यों होता है, सिगरेट पीने से थोड़ा इंसान टाइम टेकिंग है, कम मरता है, बीड़ी पीने से जल्दी मर जाता है, उनके पीछे लगा हुआ फिल्टर, सिगरेट के पीछे एक फिल्टर लगा होता है, ठीक है ना। सिगरेट जब जलाई जाती है तो
उसमें तीन चीजें जो खतरनाक है हमारे लिए, तो कैडमियम की कोटिंग होती है, तो कैडमियम होता है, निकोटिनिक पार्टिकल होते हैं और स्मोक, ये तीन चीजें, स्मोक यही मिलकर स्मोक बनते भी है। तो होता यह है कि जो पीछे फोर लगा होता है इसमें फिल्टर लगा था, फिल्टर से ऐसा नहीं कि कोई चीज निकल नहीं सकती, इसमें से स्मोक भी निकलता है, निकोटिनिक पार्टिकल भी निकलेगा, कैडमियम भी निकलेगा, मगर यह है कि एक बार में एक आध चीजें, स्पेस बहुत ही कम है तो एक आध चीजें निकल जाती, तो कुछ चीजें रुक भी हो जाती। तो इनर्शियल इंपैक्शन का मतलब क्या, जरा समझना। जैसे मैं इस वॉल में, इस मेरे पास डोर है तो डोर में छेद कर दूं मैं और दो इंडिविजुअल को मैं दौड़ा दूं, एक बार में कोई एक ही निकल सकता है। अब अगर दोनों के बीच अगर रेस होगी तो जो उस होल के सामने होगा, यानी जितने मॉलिक्यूल्स उस होल के सामने होंगे उस सारे के सारे मॉलिक्यूल्स स्मोकर के अंदर चले जाएंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होल के सामने नहीं होंगे वो फिल्टर की वॉल के सामने होंगे, वो जाकर के फिल्टर पे चिपक जाते हैं, क्योंकि स्मोकर जब सक करता है ना तो इतनी तेज सक करता है कि उन मॉलिक्यूल्स को होल के सामने आने के लिए पाथ से डाइवर्जन होने का मौका ही नहीं मिलता, वो पाथ से डाइवर्ट हो ही नहीं पाते। और अगर पाथ से डाइवर्ट नहीं है तो जाहिर सी बात, अगर दो आदमी दौड़ रहे हो, एक होल के सामने जो कि निकल जाएगा, दूसरा होल के सामने नहीं है, तो उसको पहले अपने होल के सामने आना पड़ेगा, दैट इज डेविएशन ऑफ पाथ, उसको मौका ही नहीं मिला ऐसा करने के लिए, तो जाकर चिपक जाएगा, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शियल इंपैक्शन बोलते हैं। समझ आगे बात है। दूसरा सिंपल डिफ्यूजन या जिगजैग, इसको ब्राउनियन मोशन की वजह से बोलते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत दूर से आते हैं, उन पर लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो, उस इनर्शियल इंपैक्शन फॉलो नहीं हो पाता, तो वो स्मोक जब करता है तो वो ब्राउनियन मोशन करते हुए आते हैं, जिगजैग मोशन करेंगे, और जैसे ही होल के सामने पहुंचेंगे फिर से एक बार जिगजैग मार देते हैं। तो होल के सामने थे, अब वो पाथ से डाइविएट हो गए, तब जाकर के फिल्टर की वॉल पे चिपक गए। तो पाथ से डाइविएट नहीं हो सके इनर्शियल इंपैक्शन की वजह से, पाथ से डाइविएट हो गए तब फिल्टर हो गए, देन दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर। साइज के बेसिस पर हम बात करें तो अलग अलग साइज है, दैट इज हिपा होता है जो कि लैमिनार में लगा होता है, हाई इफिशियंट पार्टिकुलेट एयर, ये 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.4 माइक्रोमीटर की चीजों को फिल्टर करता है, दैट्स 0.4। हिपा, हिपा दो होता है, एक हिपा के बेसिस पर लैमिनार दो होते हैं, वर्टिकल लैमिनार होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल। अगर किसी भी लैमिनार में हिपा सामने की तरफ लगा होता है देन दैट इज हॉरिजॉन्टल लैमिनार, जितने भी माइक्रोबियल कल्चर किए जाते हैं ना हॉरिजॉन्टल लैमिनार में होते हैं। हिपा अगर किसी लैमिनार में छत पे सेट कर दिया जाता है, हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज वर्टिकल लैमिनार। एनिमल टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हम वर्टिकल लैमिनार पसंद करते हैं, हालांकि फंगस है तो माइक्रोबियल, लेकिन उसके लिए कुछ लोग जो बोलते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल यूज करो क्योंकि उसके स्पोर बड़े हल्के होते हैं, आप जैसे ही इनोकुलम लूप से आप उठाओगे, हल्के होने की वजह से हॉरिजॉन्टल लैमिनार का जो एयर होगा वो बाहर की तरफ मारेगा, तो स्पोर आपकी तरफ अटैक कर सकता है, दैट्स व्हाई उसके लिए भी एक वर्टिकल, क्योंकि इसका स्पोर हल्का होता है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम आती नहीं है, तो उसके लिए आप वर्टिकल लैमिनार की जगह हॉरिजॉन्टली आप यूज कर सकते हो। समझ में आ गई बात है। उसके बाद फिर आता है दैट इज सिरिंज फिल्टर के लोग भी यूज करते हैं, कुछ ऐसे बहुत कम अमाउंट एचपीएलसी वगैरह पे आप जब काम करते हैं तो वहां पर बहुत कम मीडिया होता है, तो बहुत कम उसको फिल्टर करने के लिए हम सिरिंज फिल्टर यूज करते हैं जो 0.2 माइक्रोमीटर की चीजों को फिल्टर करता है, उससे छोटी साइज को भी फिल्टर कर सकता है। और दैट इज तीसरी चीज होती है जो वैक्यूम फिल्ट्रेशन होता है, वैक्यूम फिल्ट्रेशन में 0.1 माइक्रोमीटर की चीजों को फिल्टर हो सकता है, खासकर बायोलॉजी की दुनिया में वैक्यूम फिल्ट्रेशन बहुत यूज होता है, एनिमल टिश्यू कल्चर में जब आप काम करते हैं तो मीडिया का जो फिल्ट्रेशन होता है वो भी इसी वैक्यूम फिल्ट्रेशन से लोग करते हैं, तो यहां पर वैक्यूम फिल्ट्रेशन का एक बड़ा योगदान माना जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर अपनी फिल्टर की वॉल को हम चार्ज बना देते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। इनकेस मैंने अपनी फिल्टर की वॉल को पॉजिटिव चार्ज बना दिया, सपोज दैट, तो जो भी एयर में मौजूद निगेटिव चार्ज होंगे वो उस पर जाके चिपक जाते हैं, अच्छा जो पॉजिटिव चार्ज के कंटामिनेशन होंगे वो रिपल कर दिए जाएंगे, तो न्यूट्रल ही जा पाती है। खासकर जितनी इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री के ऊपर आप देखे होंगे एक फिल्टर लगा होता है, तो वो फिल्टर जो होता है वो इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ट्रेशन ही वहां पे लगाया जाता है। समझ में आ गई बात है। बाइक होती है, बाइक में जो फिल्टर लगा होता है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर, ऐसे फिल्ट्रेशन खराब बहुत होते हैं, तो इनका एक यू टाइमिंग होता है, इतने टाइम बाद इन फिल्टर को आपको बदलाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ट्रेशन। समझ में आ गई। एक चीज यूवी वाले पार्ट में छूट गया, अल्ट्रावायलेट सी जो होता है वो हम यूज कर सकते हैं लैब में, कहां पर, एनिमल टिश्यू कल्चर में। मगर अगर एनिमल टिश्यू कल्चर में आप अल्ट्रावायलेट सी यूज कर रहे हैं तो पूरे के पूरी लैब को चारों तरफ से ब्लैक फिल्म से कवर करना होता है, काली पन्नी, क्योंकि वही जो होती है जो अल्ट्रावायलेट सी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकती है। अगर आप कोई कांच की चीज लगाते हैं तो वहां पर आप अल्ट्रावायलेट सी न यूज करके फिर आपको सी का रेंज जो 263.7 नैनोमीटर मैंने बताया है आप वो यूज करते हैं।
ठीक है। सनलाइट में अल्ट्रावायलेट ए होता है, जो कुछ हद तक आप बहुत सारी चीजें धूप में रख देते हैं, जैसे आप घर में अचार होता है तो अचार में अगर कुछ फंगस फफूंदी लग जाती है तो आप उसको धूप में रख देते हो, तो उसमें अल्ट्रावायलेट जो सी होती है वो उसको थोड़ा सा हानिकारक होती है। तो दैट वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड में आपको बस मैं केमिकल का नाम बताऊंगा, आई विल नॉट टेक टू मच टाइम लाइक दैट। ओके, केमिकल मेथड में आप यूज क्या करते हो, दैट इज मेथनॉल, है ना, एथेनॉल। ओके, अच्छा एक बात आ जाए, चाहे मेथेनॉल हो या एथेनॉल हो, आप इसको 70% ही क्यों यूज करते हो। अगर मैं मेथेनॉल की बात करूं, 70% मेथेनॉल ही क्यों यूज किया था, बल्कि 100% मेथेनॉल तो ज्यादा अच्छा होगा ना। लेबोरेटरी में हम 70% मेथेनॉल ही यूज क्यों करते हैं, देखिए ऐसा होता है कि यार ये थोड़ा सा वोलेटाइल नेचर के होते हैं, तो पहली चीज जो सरफेस पे रुकेगा वही तो मारेगा। पता चला मैंने मेथेनॉल या एथेनॉल लगाया प्योर, वो उड़ गया, जब उड़ गया तो मारेगा कहां से, एक टाइमिंग तो होती है। ऐसा नहीं कि किसी बैक्टीरिया को मेथेनॉल छुआ के हटा दो तो मर जाएगा वो, अरे मेथेनॉल में कुछ टाइम पीरियड होगा ना, लेथल टाइमिंग जिसको मैं बोलता हूँ, उतना देर तो होना चाहिए। अब पता चला जैसे ही मैंने हाथ पे लगाया या किसी सर्फेस पे रखा उड़ गया वो, तो मारे कहां से। तो इसमें थोड़ा पानी मिला दिया जाता है तो ये सर्फेस पे रुकना चालू कर देगा, जब सर्फेस पे रुकेगा तो एक किलिंग इफेक्ट अपना दिखाएगा। दूसरा, लैमिनार में अगर मैं 100 से हैंड वाइप करूंगा ना और फ्लेमिंग करूंगा तो झट से वो आग पकड़ लेगा, फ्लेमेबल होती है। तो ये दो चीज बचाने के लिए हम 100% यूज नहीं कर सकते, फिर क्या करते हैं 70% मेथेनॉल या 70% एथेनॉल, वी विल यूज दैट। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज क्लोरो क्लोरोजाइलॉन भी यूज करते हैं, क्लोरोजाइलिनियम भी उनको बोला जाता है। ये भी डेटॉल जो कंपनी है वो इसी पर टोटली बेस्ड है, क्लोरोजाइलॉन यूज करती है एज अ डिसइंफेक्ट यूज करती है। केमिकल मेथड से अमूमन हम डिसइंफेक्शन करते हैं, स्टरलाइजेशन नहीं करते, क्योंकि स्टरलाइजेशन मैंने बोला स्पोर किलिंग करनी होती है और स्पोर किलिंग किसी केमिकल के बस का नहीं है, मैंने बोला था दैट इज टफेस्ट लेयर। ठीक है, इसके बाद जितने भी हैवी मेटल वाटर होते हैं, दैट इज हैवी मेटल वाटर, क्लोरिन वाटर वगैरह आपने सुना होगा। हैवी मेटल वाटर खासकर आप जब जाते हैं तो डिसइंफेक्ट यूज करने के लिए गांव के जो डॉक्टर होते हैं, जो छोटे छोटे कम पैसे वाले होते हैं, वो अपने पास जो डिसइंफेक्ट करते हैं आपके इंजरी को, वो यही हैवी मेटल वाटर ही अपने पास वो रखते हैं। ठीक है, बाकी H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत रेयरली लोग यूज करते हैं, काफी कॉस्टली पड़ जाता है, हालांकि इतना कॉस्टली है नहीं, इसको बना दिया जाता है। फिजियोकेमिकल में जहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ अप्लाई करो, दैट इज फिजियोकेमिकल। जैसे मैं आपको बताऊं, आप घर में अचार बनाते हो तो अचार बनाने के टाइम आप आम के साथ कितने अत्याचार करते हो मैं आपको बताता हूँ। गर्मियों के टाइम चूंकि आप अचार बनाते हो तो पहले आम को लिया जाएगा, उसको काटा जाएगा, है ना, काटने के बाद उसको धूप में सुखा देते हैं, तो वहां पे अल्ट्रावायलेट सी होती है। अच्छा, गर्मी के टाइम बनता तो इतना स्क्रॉचिंग हीट होती है, आदमी सूख जाए वो तो बेचारा अचार है, डायरेक्ट उस पर सनलाइट गिरेगी तो उसमें जो यूवी लाइट होगी वो, अच्छा उसमें जो थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है उसको इवेपोरेट करना इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसको क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं भी करते, गरम गरम कढ़ाई होती है उसमें हाई टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता ताकि थोड़ा बहुत इसके अंदर, खासकर मूली के जब अचार बनाते हैं तो ये फंडामेंट बहुत करना पड़ता है धूप में रखने का, और उसको फिर गरम कढ़ाई में जब हम उसको हीट अप करते हैं उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो रिमूव आउट हो जाए। फिर उसमें नमक डालते हैं ना, जले पे नमक भी आपको डालना होता है। नमक क्यों डालते हैं कि मैंने बताया कि मेन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वाटर को रिलीज करने का, नमक जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है ना, इसीलिए वो प्रियंका चोपड़ा पेड़ से कूद के पूछती थी आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, वो इसलिए पूछती है क्योंकि अगर टूथपेस्ट में नमक होगा तो वो मौजूद जो अंदर का वाटर कंटेंट उसको सक करे खींचेगा, है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता ही है, तो जो गंदगी छिपी होगी वाटर के साथ वो बाहर निकल आएगी। तो यहाँ पर सॉल्ट मैंने केमिस्ट्री यूज किया, मैंने फिजिक्स भी यूज किया, देन दैट इज नोन एज फिजिको केमिकल। तो यहाँ पर दोनों चीजें आप अप्लाई करते हो देन दैट इज फिजिको केमिकल। ठीक है, तो दैट वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हाउ यू विल गो फॉर द स्टरलाइजेशन एज वेल एज डिसइंफेक्शंस। कोई किसी को डाउट नहीं, पक्का?